माय नेम इज राजीव एंड आई एम वर्किंग एज एन आईटी हेड मैनेजर इन A2IT। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको MTA कोर्स के बारे में बताया था, MTA जो जिसमें हमने सारा बेसिक्स अपना कंप्लीट कर लिया था। तो उसके बाद में स्टूडेंट्स अब किस फील्ड के अंदर आगे जा सकते हैं, तो उसके बाद जो सबसे बेस्ट कोर्स आजकल चल रहा है जी, वो है आपका CCNA। CCNA स्टैंड्स फॉर सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। जैसे माइक्रोसॉफ्ट MTA सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है, वैसे ही सिस्को हमारी CCNA सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। और ये भी आपका एक बेसिक एसोसिएट कोर्स है, लेकिन इसके अंदर आपका थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाता है MTA से, क्योंकि इसके अंदर आपको लाइव राउटर्स एंड स्विचेस के ऊपर काम करना पड़ता है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि CCNA के अंदर कौन कौन सा सिलेबस फॉलोअप हमारा हो रहा है। तो CCNA करंटली वर्जन 3 पे चल रहा है और 200/125 नाम का इसका जो वर्जन है वो अभी लॉन्च हो चुका है। करंटली जो सबसे अपडेटेड मॉड्यूल है CCNA का यही चल रहा है। और इसके प्रोसेस के अंदर क्या रहा है जी, सबसे पहले CCNA के अंदर हम बात करते हैं जी हाउ टू डिजाइन द नेटवर्क। डिजाइनिंग के बाद आपका आ जाता है जी IPv4 और IPv6, क्योंकि जब डिजाइनिंग आपका हो गया अब आपको अपडेटेड मॉड्यूल IP एड्रेसिंग में जाना पड़ेगा। IPv4 के बाद आपका आ गया जी राउटिंग, क्योंकि जैसे हम LAN और WAN के बारे में डिस्कस कर रहे थे उसमें, तो LAN के बाद हमारा वाइड एरिया नेटवर्क में जाना जरूरी है। तो वाइड एरिया नेटवर्क करने के लिए हमारे पास मॉड्यूल है जी राउटिंग। राउटिंग के अंदर आपके अलग अलग प्रोसेसेस आते हैं, जैसे स्टैटिक राउटिंग आती है आपकी, डायनेमिक राउटिंग आती है आपकी, डिफॉल्ट राउटिंग आती है आपकी। स्टैटिक राउटिंग में हम वो चीज कवर करवाते हैं जो मैन्युअली सारा रूट फॉलोअप होता है, और डायनेमिक राउटिंग में वो रूट फॉलोअप होता है जिसमें हम प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। जैसे कुछ इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल काम करेंगे, कुछ एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल काम करेंगे। जो सेम AS के बीच काम करेंगे वो IG, और जो आउटसाइड द AS काम करेंगे वो एक्सटीरियर गेटवे। अब इनके अंदर जो प्रोटोकॉल डिस्कस होंगे वो है जी RIP, EIGRP, OSPF। ये सारे प्रोटोकॉल इंटरनेट कनेक्टिविटी करवाते हैं। और एक्सटीरियर के अंदर आपका BGP प्रोटोकॉल, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल आएगा। पहले ये चीज CCNA के ओल्ड वर्जन में नहीं थी, लेकिन न्यू वर्जन में BGP भी हमें कवर करना पड़ेगा। राउटिंग करने के बाद हमारे पास जो मॉड्यूल आता है जी वो आता है आपका स्विचिंग। स्विचिंग मॉड्यूल का मतलब कि LAN के अंदर आपने कितना काम किया है। जैसे मान लो A2IT का नेटवर्क है, हमारे यहाँ पे राउटर्स के रैक लगे हुए हैं, यहाँ पे स्विचेस लगे हुए हैं, 100 से लेके 200 तक हमारे पास कंप्यूटर है। तो स्विचिंग करने के बाद हम LAN नेटवर्क कैसे बनाते हैं, तो स्विचिंग के मॉड्यूल के अंदर हमारे पास आ जाएगा जी वर्चुअल LAN कैसे हम बनाते हैं, VLAN, इंटर VLAN प्रोसेस हम कैसे करेंगे। उसके बाद में हमारे पास VTP कैसे काम करेगा, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो लूप को रोकने के लिए बेसिकली कंपनीज में यूज होता है वो कैसे काम करेगा, स्पैनिंग ट्री को ओवरकम करने के लिए ईथर चैनल का प्रोसेस जो हम इसमें यूज करते हैं। जैसे कि आपको बता दें कि जैसे A2IT के अंदर रिडंडेंसी हमने क्रिएट की हुई है, तो रिडंडेंसी को क्रिएट करने के लिए, मल्टीपल लिंक को कन्वर्ट करने के लिए, एक लिंक बनाने के लिए हमने यूज किया है ईथर चैनल। तो ये टेक्नोलॉजी यूज होगी स्विचिंग के अंदर। उसके बाद आ जाएगा जी आपका हाई अवेलेबिलिटी प्रोटोकॉल्स, जिसमें सबसे पहले आ जाएंगे जी फर्स्ट होप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। इसमें आपका HSRP, VRRP, GLBP वो सारे प्रोटोकॉल्स यूज होंगे। स्विचिंग के अगले मॉड्यूल में आ जाएगा जी आपका मल्टी लेयर स्विचिंग, क्योंकि हम सिर्फ लेयर 2 पे काम नहीं करेंगे CCNA में, हमें मल्टी लेयर पे भी काम करना पड़ेगा। और मल्टी लेयर के अंदर में 3500 सीरीज और 3700 सीरीज के स्विचेस और राउटर्स भी हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध मिलेंगे आपको। आपका IP एड्रेसिंग मॉड्यूल हो गया, राउटिंग हो गया, स्विचिंग हो गया। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है CCNA के अंदर वो है सिक्योरिटी। जब तक आपने सिक्योरिटी नहीं किया तब तक आपका कोई भी मॉड्यूल आगे नहीं जाएगा, बिकॉज आने वाले टाइम पे सिक्योरिटी मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो CCNA के अंदर सिक्योरिटी के अंदर हम सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स क्रिएट करते हैं। फायरवॉल्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या प्रोसेस होता है, यहाँ पे हम इसमें ACL NAT प्रोसेसेस करते हैं। अगर हमने कुछ ब्लॉक करना है इंटरनेट के ऊपर तो हम ACL के अंदर यूज करेंगे, अगर हमने कुछ हाइड करना है, दोनों में डिफरेंस है, तब हम NAT यूज करेंगे। तो ये आपका वर्जन है जिसके अंदर हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा CCNA। अब CCNA जैसे हमने MTA की वर्कबुक बनाई थी, CCNA के लिए भी हमने एक प्रैक्टिकल वर्कबुक बनाई है। तो मैं आपको वर्कबुक के बारे में बता देता हूँ। तो ये हमारी नेटवर्किंग की CCNA वर्कबुक है, राउटिंग एंड स्विचिंग की।
इसमें आपको थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल का क्या मॉड्यूल मिलेगा? सबसे पहले तो जो बेसिक कमांड राउटर स्विचेस की यूज हो रही है वो आपको मिल जाएंगी इसमें, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सबनेटिंग का टास्क है, सबनेटिंग कैसे होगी, आप आईपी एड्रेसिंग कैसे करते हो, स्टैटिक राउटिंग, जितने भी प्रोटोकॉल्स मैंने डिस्कस किए हैं जो सिलेबस के अंदर मैंने नहीं भी बताई चीज़ें, वो भी जैसे DNS, DHCP, वो सारे प्रोसेस आपको इसमें मिल जाएंगे। कैसे आप मल्टी लेयर स्विचेस के साथ काम करते हो, कैसे आप विदाउट मल्टी लेयर स्विचेस के ऊपर काम करते हो, आपको विद डिज़ाइनिंग सारी वर्कबुक यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे ये सिक्योरिटी के टास्क हैं, बहुत सारे टास्क जो आपके सिलेबस के अंदर आते हैं वो आपको इस वर्कबुक में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको प्रॉपर 4 आवर्स की क्लासेस प्रोवाइड होंगी वर्कबुक के साथ, 4 घंटे से लेके 8 घंटे तक की आपको क्लासेस मिलेंगी। आपको लाइव राउटर्स और लाइव स्विचेस के ऊपर आपको काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि जब तक आपने लाइव स्विचेस के ऊपर काम नहीं किया, लाइव राउटर्स पे काम नहीं किया, तब तक इसका कोई बेनिफिट नहीं है। बिकॉज हम सिर्फ सिस्को पैकेट ट्रेसर सिमुलेटर का काम नहीं करवाते, हम GNS के ऊपर भी काम करेंगे और ओरिजिनल राउटर स्विचेस के ऊपर भी काम करेंगे। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप वेबसाइट्स पे भी देख सकते हैं। वेबसाइट के बाद आप A2IT में एक बार विजिट कीजिए, वर्कबुक पे काम कीजिए और ओरिजिनल डिवाइसेस के ऊपर काम करें। थैंक यू सो मच।